खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या बिहार में नेताजी अपराधियों के निशाने पर हैं? पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कई बड़े नेता अपराधियों के शिकार हो चुके हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की हो हत्या हो या फिर एलजेपी नेता बृजनाथी सिंह की हत्या, बक्सर में बीएसपी नेता मिल्लू चौधरी की हत्या, अब महनार के पूर्व बीजेपी विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह पर हमला कर 1.5 लाख रुपया लूटने और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। डॉक्टर अच्युतानंद सिंह के मुताबिक वो हाजीपुर के आवास से अपने गांव जाने के लिए निकले ही थे कि मिनी बस से आए करीब 50 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि हमलावरों ने अच्युतानंद सिंह और उनके ड्राइवर सहित 4 लोगों की जमकर पिटाई की। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व विधायक के मुताबिक उनके पास रखे 1.5 लाख रुपए भी लूट लिए गए, साथ ही हाजीपुर छोड़ देने और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। बाद में सभी लोग लाल सलाम का नारा देते हुए वहां से चले गए। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। एकाएक हमारे सर पर रिवॉल्वर से हमला किया, जब हम गिर गए हमारे बचाने के लिए अभिनेश कुमार सिंह, बम्भोलेरा गजेंद्र सिंह और सुधीर चौधरी जो हमारा चालक है वो आगे बढ़ा तो अति में उन लोगों को खींच के बेतरह घायल कर दिया और जाते जाते कहा 1.5 लाख मेरे पॉकेट में रुपया था वो निकाल लिया, जाते जाते कहा 1 करोड़ रुपया घर जमीन बेच के 1 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो पूरे परिवार सहित नष्ट कर देंगे, और जाते जाते लाल सलाम कहता हुआ चला। बुधवार को जाले के बीजेपी विधायक जीवेश कुमार पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर के पियरा थाने के तेपरी गांव में लोगों ने विधायक की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। विधायक तेपरी गांव में अपने मित्र के पिता के श्राद्ध में भाग लेने आए थे। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है ये वाकई बातें जो सामने आ रही है कि निशाने पर अब नेताजी आ गए हैं, यानी कि नेताओं को अब निशाना बनाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए ललिता, एक बात तो साफ है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है वो वाकई चिंता वाली बात है, क्योंकि एक तरफ से नीतीश कुमार हो या फिर सत्ताधारी दल के लोग हों ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद अपराध में भारी कमी आई है, और वो रिकॉर्ड का हवाला भी दे रहे हैं, आंकड़े का हवाला भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो एक के बाद एक कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, आपकी जगह राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और अधिकांश जिन नेताओं को टारगेट किया जा रहा है वो NDA के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा, जो ताजा मामला है अच्युतानंद सिंह जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं जिनके ऊपर हाजीपुर में कल जो घटना घटी है उन पर कातिलाना हमला किया गया है, जीवेश कुमार जो बीजेपी के विधायक है दरभंगा जिले के उन पर भी हमला किया गया, तो कहने के ये सवालिया निशान लगता है कि आखिर नेताओं को खास जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है क्या? कई ऐसी बातें हैं जो जिसका सवाल का जवाब देना होगा सत्ताधारी दल के नेताओं को या फिर प्रशासन को या फिर जो पुलिस महकमा के जो लोग हैं उन्हें। और जो ताज़ा वाकया हुआ है अच्युतानंद सिंह पर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर नक्सलियों ने हमला किया है, वाकई गंभीर है, क्योंकि पटना के बगल में है हाजीपुर, और अगर सरेआम जिस तरीके से 50 से 60 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं जो विधायक के अनुसार वो नक्सली थे, तो वाकई चिंता की बात है, क्योंकि नक्सलियों ने इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन ताज़ा वाकया वाकई कई सवालिया निशान लगाते हैं कि पटना के नज़दीक, राजधानी के इतने नज़दीक होने पर जिस तरीके से नक्सली बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और विधायक को धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और 1 करोड़ की मांग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। और सरकार को ये सोचना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, और खासकर जो माननीय हैं जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप देखें बृजनाथी सिंह की हत्या हो या फिर विश्वेश्वर ओझा जैसे नेताओं की हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो वाकई गंभीर है ललिता। बिल्कुल आनंद, आपका बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।